झारखंड के लिए साल 2021 नियुक्ति का वर्ष है। ये घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस के मौके पर की थी। मुखिया के ऐलान से प्रदेश के युवाओं में नौकरी पाने की आस जगी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ तमाम दावे और वादे हवा होते गए। राज्य के मायूस और नाराज बेरोजगार युवा हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने घोषणा किया था, वादा किया था कि हम जल्द ही जो है 2021 को जो है नियुक्ति वर्ष घोषित करके बहाली की बात की गई थी, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि कुछ महीना पहले फिर माननीय मुख्यमंत्री का बयान आया कि विभाग जो है नियमावली तैयार करे, हम बहाली करेंगे। तो नियमावली जब तक नहीं बनेगा तब तक राज्य में बहाली नहीं हो पाएगी, और हम लोग ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि विभागवार आप जल्द से जल्द नियमावली बनाए, न तो युवाओं में आक्रोश है, गुस्सा है। कोरोना की दलील देकर सरकार रिक्त पदों पर आकलन करने में जुटी है, लेकिन झारखंड में नियुक्ति नहीं होने की सबसे बड़ी वजह नियोजन नीति का ना होना है। इसके अलावा कई विभागों के अब तक नियमावली नहीं बने हैं। ऐसे में सरकार की इस नियुक्ति वर्ष को लेकर विपक्षी दल बीजेपी ने हेमंत सरकार पर चुटकी ली है। खासकर इस राज्य के युवा उनसे आस लगाए बैठे हैं कि जो सरकार ने वादा किया था कि 5 लाख नौकरियां देंगे प्रतिवर्ष, वो सरकार कब शुरू करती है। और हेमंत सोरेन ने तो घोषणा कर दिया था कि ये नियुक्ति वर्ष होगा, लेकिन 7 महीने बीत गए, अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हुई। अगर सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 5,25,000 पद सृजित हैं, इसमें करीब 4 लाख पद खाली हैं। राज्य के गृह कारागार एवं आपदा प्रबंधन विभाग में ही 73,938 पद खाली हैं, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 1,51,407 है। इसी तरह शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास समेत कई विभागों की यही स्थिति है। भले ही सरकार वैकल्पिक व्यवस्था पर काम कर रही है, लेकिन इससे समस्या का अस्थायी समाधान नहीं हो रहा है। रोजगार को लेकर श्रम मंत्री का दावा है कि आने वाले दिनों में विज्ञापन निकालकर रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। होता है कि इसका बहुत जल्द कुछ संभावना है, 15 से पहले कुछ होने वाला है। अच्छा, क्या किस तरह से प्लानिंग सब विभाग का? अच्छा, है ना, कुछ आप लोगों के स्तर से हुआ है? भरेंगे हम लोग उसका भी एक प्रपोजल बना रहे हैं कि जो ऑलरेडी जो LEO से रिटायर्ड हुए हैं, जब तक ये रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया हो तब तक हम लोग इसको भी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके कुछ आगे बढ़ने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि अगर जहाँ तक छोटे लेवल की कर्मचारी हैं, जैसे क्लरिकल स्टाफ हैं या लिपिक लेवल स्टाफ हैं, उसको भी हम लोग सभी फील्ड लेवल से सूचना मांग रहे हैं कि कितना वैकेंसीज है, अगर उसको भी हम लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी कुछ काम आगे बढ़ा सकते हैं। कोरोना हो, JPSC हो या फिर JSSC, या फिर दलील नियोजन नीति की हो या वजह नियमावली का ना बनना हो, कारण चाहे जो भी है, लेकिन सच तो यही है कि झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्तियां बेशुमार हैं, फिर भी प्रदेश के युवा बेरोजगार हैं। भुवन किशोर झा, ETV भारत, रांची।